मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हम कह सकते हैं. म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं, राइटर भी हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, बहुत वेल नोन है. अमित त्रिवेदी जी मेरे साथ इस वक्त भोपाल न्यूज़ अपडेट्स में. आइए हम इनसे बातचीत करते हैं. आपका भोपाल में और भोपाल न्यूज़ अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हाँ. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा मैंने कहा कि आप अगर कहें हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं और मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं. सिंगिंग भी करते हैं, म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, लिखते भी हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं. तो यू आर लाइक एन इंस्पिरेशन टू अदर्स. अगर हम कहें अपकमिंग सिंगर्स, क्या कहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में? सच में ऑनेस्टली ये मुझे बचपन से लगता है, ये अभी भी लगता है, हमेशा से लगता है कि सिर्फ माता जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ. ये अम्बे माँ की देन है और कुछ नहीं है. मैं कोई कैपेबिलिटी है नहीं मुझ में कि मैं कुछ कर सकूँ. ये कहीं से कोई एक पावर है जो हेल्प कर रही है, जो मुझे ये गाइडेंस दे रही है. जी, बड़े रिलक्टेंट आप कहें हम आप एंट्री रहे हैं बॉलीवुड में. आप अगर हम बात करें हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड में जो वहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, दे आर मच मच पॉपुलर, मच मोर ऑन अ बिगर लेवल दैन द एक्टर्स. क्या कहेंगे आप? हाँ जी, वो तो बिकॉज हमने वो पावर दे दिया एक्टर्स को कि हम प्लेबैक कर लेते हैं. सारा कुछ बॉलीवुड के अंदर है कि एक बास्केट के अंदर एक्टिंग भी हो रही है तो गाना भी हो रहा है. तो अगर कोई एक शाहरुख खान गा रहा है तो पीछे एक एक्टर, पीछे एक सिंगर उसको आवाज़ दे रहा है, तो वो सारा पावर उस एक्टर को ही मिल जा रहा है. बिल्कुल. जो कि जबकि अगर वो इंडिपेंडेंट अपना करे तो वो शाहरुख खान से भी बड़ा हो सकता है. पहले समय में था कि सिंगर्स के नाम मालूम थे, आजकल पता नहीं. आजकल नहीं पता था. पर बिकॉज हर किसी को बॉलीवुड में जाना है, हर किसी को वही एक चैनल है, वही एक नजरिया है जहाँ पे आप अपना अच्छा टैलेंट शोकेस कर सकते हो. या आप अगर सिंगर हो, आप में टैलेंट है, तो उसको बड़े लेवल पे कैसे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़ा प्लेटफॉर्म ही बॉलीवुड है. जी, अगर हम इन दिनों बात करें तो इन दिनों काफ़ी, अभी एक दो दिन की बात करें तो कितने सारे ट्वीट्स हो रहे हैं. एक अभी ट्वीट हो गया कि अनु मलिक के खिलाफ दो सिंगर्स ने कह दिया, दे वर वेरी अनकम्फर्टेबल मी टू मूवमेंट का. फिर अभी विशाल डडलानी ने भी किया कि रिमिक्सेस कोई करेगा तो देख लो मैं क्या करूँगा. फिर उसके बाद रोनी स्क्रूवाला ने भी एक ट्वीट किया, हाउसफुल 4 का जो है जो कलेक्शन है वो ओवर रेटेड है, रियलिटी नहीं है. मतलब ऐसे 3 ट्वीट्स हो गए हैं. क्या कहेंगे आप? मतलब ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही है. मुझे पता नहीं था, मैं चेक करूंगा ट्वीट्स. बट कुछ तो होगा. विशाल का मैंने पढ़ा था, विशाल का मैंने देखा था, तो वो काफ़ी गुस्सा लगे, मुझे गुस्से में लगे, पूरा ट्वीट पूरा गुस्से से भरा हुआ था. बिकॉज मे बी शायद वो दौर ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे सारे सब रीमिक्सेस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक गुस्सा आ रहा है लोगों में. जी, आपको लग रहा है ये दौर, मतलब कि पुराने फिल्में बन रही हैं, पुराने गाने बन रहे हैं, तो मतलब क्या अभी बॉलीवुड में क्या नया जो है वो नया सोच क्या थम गया है? जो पुराने पिक्चर, पुराने स्टोरीज, पुराने गाने, ऐसा कुछ नहीं है. मे बी ट्रेंड है, मे बी जस्ट एक फैड है. ये ट्रेंड है जो चल रहा है. कुछ ट्रेंड कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हिट, जो कोई चीज़ आप बना लेते हो वो बन जाती है बहुत बड़ी हिट, तो वो हिट के पीछे वो फार्मूला बन जाता है, ठीक है. सभी लोग वो फार्मूला के पीछे भागते हैं. और अभी जो सिंगर्स ने अनु मलिक के खिलाफ जो उन्होंने ट्वीट किया कि उनको दोबारा से सोनी टीवी को नहीं लेना था शो में, मी टू मूवमेंट का कोई एक बड़ा झटका, आप क्या कहेंगे इस पे? सोनी अनु मलिक को, अनु मलिक के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया है कि दे वर अनकंफर्टेबल, ही मेड देम अनकंफर्टेबल, येट ही हैज बीन अप्रोच फॉर अ शो. नो आइडिया, नो क्लू अबाउट. इस पे क्या जवाब दूं? चलिए भोपाल आए हैं, क्या कहेंगे भोपाल के बारे में? आज आपका शो भी है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे आज बुला गया है इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन पे, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पे मुझे याद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इस शाम के लिए, और इस शाम में मैं खूब सारी मस्ती और खूब सारा पार्टी करने की सोच रहा हूँ. बिल्कुल. चलिए, मैं जाते जाते अगर आपसे रिक्वेस्ट कर पाऊँ, 2 लाइन अगर आप गुनगुना दें हमारे दर्शक. अरे थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं वो थॉट प्रोसेस में नहीं हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा. चलिए, वन लाइन. देखिए अब लाइव सुन तो रहे हो आज, हम लोग शाम को, लेकिन ये एक लाइन. अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है,
ओ गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर है दिल तू बता रे। क्या बात है, क्या बात है। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी किसके नैना, किसके नैना पे गाया अमित जी ने। हाँ ये अब एक क्वेश्चन मार गया, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आप देके जा रहे हो। चलिए, आपने भोपाल न्यूज अपडेट से बातचीत की, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, गाना भी गाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।